हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग के मंगोड़े, पालक के पकोड़े, पालक के मंगोड़े की जायकेदार सब्जी और नाश्ता। इसके लिए चाहिए हमें बारीक कटी हुई पालक, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए आलू, बारीक कटे हुए मिर्ची और अदरक लहसुन। अब हम एक जार लेंगे, एक जार में हम लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल देंगे, उसी के साथ में प्याज भी डालेंगे। अब हम अपने स्वाद अनुसार इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी आधी आधी छोटी चम्मच भर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी घर की बनाई हुई ग्रेवी डालेंगे, मैंने घर पे बनाई हुई हूँ, और ये मसाला को हम मिक्सी में पीस लिए हैं। अब इसमें हम एक कटोरी बेसन डालेंगे और कटी हुई पालक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब फिर इसके बाद में हम पकोड़े बनाएंगे। हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उसको हम दबा करके तेल की कढ़ाई में तलने डाल देंगे। अब जी हम तेल में तलने डाल दिए हैं, अब मध्य आंच से इसको तलना है। जब ये अच्छी तरह से तल जाएगा फिर इसके बाद में हमको निकालना है। ये देखिए, ये अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है तलने का। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब पालक के पकोड़े हम एक प्लेट में अच्छी तरह से निकाल के रख लिए हैं। अब हम उसी पकोड़े की मिक्सर से छोटे छोटे मंगोड़े बनाने जा रहे हैं। अब उसको भी हम मध्य आंच में सेक करके ये एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हमने 4 घंटे से मूंग दाल को भिगो रखी थी और मिक्सी में भी पीस लिए हैं, और मसाला जो बचा हुआ रखा था उसको भी हम थोड़ा सा डाल दिए हैं। उसी में प्याज, लहसुन और अदरक ये सब मिक्स करके अब हम इसके मंगोड़े तलने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। उसी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिए थे, अब छोटे छोटे मंगोड़े हम तल लेंगे। अच्छी तरह से इसको भी मध्य आंच से तलना है। और ये देखिए, अच्छी ये सुनहरे तल गए हैं। अब हम मंगोड़े को निकाल लेंगे, इसको भी एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए हमारे मंगोड़े कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे ये मूंग के मंगोड़े, पालक के पकोड़े और पालक के मंगोड़े तीनों बनकर तैयार हो गए। चाहें तो आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। अब हमने लहसुन, प्याज और टमाटर काट के रख लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, लहसुन डालते हैं, फिर जीरा और फिर उसके बाद राई और उसके बाद कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे हम, और इसको हल्का ब्राउन भुनते तक तलना है। अब हमने मिक्सी में मसाला तैयार कर लिया था, उसमें हम धनिया, मिर्ची, हल्दी और ऐड कर देते हैं अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हरी ओम का गरम मसाला भी मिलाएंगे। अब मसाला को हम पानी डालकर अच्छी तरह से भिंगा लेंगे। अब इसको कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से सुनहरा होते तक भून लेंगे। ये देखिए, अब हमारी मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गई है। जैसे ग्रेवी बनाते हैं उस प्रकार से मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब हम मिक्सी में टमाटर रखकर पीस लेंगे और सब्जी के लिए उसी में डाल देंगे। डालने के बाद अच्छी तरह से चलाकर अब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी उतना ही रखना है दोस्तों जितना हमको अपने परिवार के हिसाब से सब्जी के लिए चाहिए है। अब हमारी ये सब्जी का मसाला पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी तीनों बड़ियां मिलाएंगे, पकोड़े की, मंगोड़े की और पालक के पकोड़े की। तीनों का स्वाद देखते हैं दोस्तों खाने में कितना अच्छा लगता है। हम इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि तीनों पकोड़े में नमक पड़ा है और मिक्सी में जो मसाला पीसे थे उसमें भी नमक है। यहाँ पर
हमने कैच का गरम मसाला लिया है। सब्जी उतारने के पहले थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी जायकेदार सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। थाली में हम परोस लिए हैं और खाने भी जा रहे हैं। मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।